गाइस कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कुछ बोलो। तो अभी हम लोग थोड़ा बाहर निकल रहे हैं गाइस, और थोड़ा ऐसे ही शाम हो रहा है, 5 बज रहे हैं। तो अब जैशु के पापा चले जाएंगे, तो थोड़ा हम लोग बाहर निकल रहे हैं, जैशु को घुमा देते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर पता नहीं कब निकलना होगा। कहाँ जाओगी? स्कूटर स्कूटर। ए रुक जाओ बेटा, मत जाना अकेले, वो घुमा रही बेटा। चलो इधर आओ, ब्लॉग बनाओ। बोलो तो गाइस, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपना प्यार दीजिए, अपना प्यार दीजिए। हाँ, मेरे बाबू के लिए सब्सक्राइब कीजिए और पूरा पूरा वीडियोस देखिए, और हमें आगे बढ़ाइए, हमें आपका सपोर्ट चाहिए, है ना। और वेदर भी साफ है, बारिश वगैरह नहीं हो रहा है। तो निकलते हैं, जा रहे हैं अब, थोड़ा आपको भी ले चलते हैं। चले गए जाओ, पापा चले गए। चिल्लाओ, पापा को बुलाओ, आवाज दो, आवाज जोर से। पापा यहाँ पे जाओ, बीच में चलो चलो, देखते हैं कहाँ गए। चलो 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 चलो, देख के यहाँ पे। ए अकेले मत, बोलो पहले मेरे प्यारे पापा, आप भी चलिए। देख के रोड है निकलना। बाय, तुम चली जाओ पापा के साथ, ठीक है? नहीं, अकेले घूम के आओ, पापा के साथ घूम जाओ। बोलो 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 बोलो, यू आल्सो कम विद अस, यू आल्सो कम विद अस। बोलो वी विल बरसाती वाला है, चिप चिप चिप। मम्मी ऐसी गर्मी होने लगा, चलाएंगे। 5 बजे इतना गर्मी है, बताओ 3 बजे क्या ही होगा। तब ठीक रहता, अब हो ही नहीं रहा है। 4 दिन से, ईद के दिन से कहाँ, बकरीद से, बकरीद 5 दिन हो गया आज। सो गाइस, हम लोग रांची के सबसे फेमस रेस्टोरेंट, जो वेज रेस्टोरेंट, प्योर वेज रेस्टोरेंट यहाँ का फेमस रांची के लोग जानते हैं, वहीं जा रहे हैं, कावेरी। और यहाँ इसका न्यू ब्रांच कांके में खुला है, बहुत पहले ही से खुला हुआ है, बट बहुत लोग नहीं गए होंगे। मैं बहुत बार आ चुकी हूँ और बहुत यहाँ अच्छा वेज खाना मिलता है गाइस, बहुत ही रिजनेबल रेट में। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यहाँ का इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा है और बहुत अच्छा। ये वाला जो कांके वाला कावेरी है, बहुत ही अच्छा है, इंटीरियर्स वगैरह भी देख लीजिए। तो हम लोग बस अब एंटर कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है और बहुत अच्छा, मतलब ये लुक देख कर ही और खाने का मन कर रहा है, ये इन्वायरमेंट देख कर। तो बस अब हम लोग बैठेंगे। मेन्यू आ गया है गाइज, और एज़ यूजुअल कावेरी का तो हम लोगों को पता है कि क्या क्या रहता है, और यहाँ सोचना भी नहीं पड़ता है, वही हम लोग मंगवाते हैं जो यहाँ का बेस्ट रहता है। तो आज काफ़ी मन कर रहा था छोले भटूरे खाने का, बहुत काफ़ी दिनों से नहीं खाया था, और यहाँ कावेरी का बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा रहता है चटपटा छोले, बहुत स्पाइसी चटपटे रहते हैं, यम्मी लगते हैं, और भटूरे भी। जैशु यहाँ पे वेट कर रही है, हम लोग सब वेट कर रहे हैं खाने का, और तब तक मैं आपको पूरा लुक दिखा देती हूँ यहाँ का कावेरी का अंदर का।
बहुत अच्छा लग रहा था और भीड़ भी नहीं था तो अच्छा लग रहा था, सुकून लग रहा था। शाम के टाइम आए थे ना इसलिए भीड़ नहीं था। और यहाँ हमारा छोला भटूरा मतलब छोले भटूरे आ गए हैं और उन्होंने आलू भी दिया है, काफ़ी यमी लग रहा है देखने में, तो ट्राई करती हूँ खा के। एज़ यूजुअल यहाँ का मतलब फेमस है ये और बहुत टेस्टी था, मुझे बहुत अच्छा लगा छोले भटूरे। अगर आप एक प्लेट खा लीजिएगा मतलब एक भटूरे के साथ भी खा लीजिएगा तो आपका पेट भर जाएगा, इतना फुलफिलिंग होता है और बहुत यमी लगता है। काफ़ी दिन से मन था छोले भटूरे खाने का, कुछ पंजाबी खाना खाने का, तो आज हम लोग खाने आ गए और मेरे हस्बैंड भी यहाँ खा रहे हैं, साथ ही साथ बाबू को भी खिलाएंगे। बाबू तो छोले नहीं खाती है, उसका पता नहीं क्यों आदत नहीं है, सब्ज़ी वगैरह उतना नहीं खाती है, तो भटूरे थोड़ा बहुत जो खाएगी। और यहाँ मैं भी इंजॉय कर रही हूँ और मम्मी भी, तो बस यही है, हम लोग खा रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। छोले भटूरे किस किस के फेवरेट हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा तो पर्सनली काफ़ी फेवरेट है, बहुत फेवरेट है मेरा भी। हम लोग बात कर रहे हैं और खा रहे हैं और अच्छा से इंजॉय कर रहे हैं अपना इवनिंग, बहुत मज़ा आ रहा था गाइस। अच्छा लगता है ऐसे घूमना शाम वगैरह में भी वीकेंड्स पे, और ये वीकेंड ही का है तो यही है गाइस। हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, साथ ही साथ सैलेड भी खा रहे हैं। देखिए हमारा यहाँ पे अचार भी इन्होंने दिया, भूल गए थे देना, ये अचार भी यहाँ का बहुत डिलीशियस रहता है, बहुत चटपटा यम्मी फ्लेवर रहता है गाइस। देख सकते हैं आप छोले भी बहुत अच्छे हैं, बहुत मज़ेदार लग रहा था बहुत ही, और था भी काफ़ी अच्छा। तो हम लोग इंजॉय कर रहे हैं अपना खाना। यहाँ बाबू बस कोल्ड ड्रिंक्स पी रही है और भटूरे थोड़ा बहुत इसने खाया था, बस कोल्ड ड्रिंक्स इसको पसंद है। गाइज़ ये अचार भी काफ़ी यमी था, बहुत ही अच्छा था, मिक्स्ड अचार था, गाजर वगैरह सब था, मैंगो भी था, बहुत अच्छा पिकल था ये। और छोले भी देख सकते हैं आप कितना डिलीशियस दिख रहा है, बहुत यमी था गाइज, मज़ा ही आ गया छोले भटूरे खा के यहाँ का, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो गाइज हम सैंडविचेस का भी वेट कर रहे हैं, हमने पनीर टिक्का सैंडविच मंगाया था और ये आ गया गाइज। और इन्होंने सैंडविच मतलब 4 पीसेस सैंडविचेस है अच्छे बड़े बड़े और चिप्स के साथ इन्होंने दिया है सैंडविच। तो मेरा पर्सनली सैंडविच भी बहुत फेवरेट है, इवनिंग का टाइम था तो सैंडविच हमने लिया है और मैं अभी ये टेस्ट करूँगी। और ये मैंने खाया और सच बताऊँ तो गाइज़ एकदम लाइट था सैंडविच, हेवी भी नहीं था, बहुत ही यमी लग रहा था खाने में, बहुत टेस्टी। मैं हर जगह के सैंडविच इतना लाइट नहीं रहता, यहाँ का काफ़ी अच्छा था। और केचप में खाने का तो बात ही अलग होता है सैंडविच, और पनीर टिक्का सैंडविच, पनीर भी मेरा फेवरेट है गाइस। बहुत मज़ा आ रहा था आज मतलब खाने में सैंडविच, बहुत यमी लग रहा था, ग्रिल सैंडविच था और इवनिंग के टाइम में मज़ा आ रहा था खाने में। और हमने चाय नहीं मंगाया क्योंकि घर ही में जाके पिया था, वैसे तो चाय भी पीने में अच्छा लगता है सैंडविच के साथ। और यहाँ रशु के पापा बोल रहे हैं खा लो खा लो, बट वो खा नहीं रही थी, बस कोल्ड ड्रिंक्स पी रही थी गाइस। तो बस यही है गाइस, अब हम लोग ने खाना पीना खा लिया। लोगी क्या नहीं आई नहीं वहाँ है तो आप कहाँ बोल, किस में कावेरी वो सब तो आइसक्रीम खाओगे? हाँ मम्मी का पिस्ता, मम्मी लो डोनट ले, सब पता है इसको, तो मम्मी ये ले लो, सब ले क्या लेना है तुमको, तो वो क्या लेना और
ये तो ले लो ना, तो कौन मना कर रहा, ले लो। और क्या, कहाँ जा रही है? पेमेंट करो जाके, पैसा है ना, तो कैसे लोगी? ये कितने कैश दे रहे, कैश दे रहे। अभी है उसका कैसा है मीन लग रहा है सुनने में घर में सजाने के लिए। तुम ब्रेड ली छोड़ो, बहुत मंगा ली। 20 का है, 50 है, अच्छा 20 है, 150 का हो जाएगा सब। अर्बन लाइट इतना अच्छा अच्छा यहाँ पे है ना, कलेक्शन जो उमर का बहुत प्यारा है हॉलीवुड के लिए। अब नहीं बोलेगी, बोलो तो फिर से। क्या ले लो ना, बोला